तो डिस्क्वालीफाई तो हमारे साथ गलत हो रहा है। सबसे पहली गुड्डी हमारी उड़ी कानून आया उसके साथ बेटा कराओ कराओ डील का जानता नहीं कौन उड़ा रहा कौन काफी गुड्डी को खींच मारे आटा और क्या खींच मार वो काट दी ये थोड़ी हमें नहीं आती खींच मारना हम सुबह के 7 बज चुके हैं और सच बात बताऊं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी गुड्डी उड़ाने का, क्योंकि यार सुबह सुबह कहाँ मन करता है गुड्डी उड़ाने का। तो अभी हम तभी जाएंगे जो पार्क पर बताया था, वहाँ पे जाके हम काइट फ्लाइंग करेंगे और मजे करेंगे। देखते हैं वहाँ पे कितनी पतंगे उड़ती हैं, उड़ती भी हैं नहीं उड़ेंगी तो वहाँ चलेंगे। और चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं। तो कुछ पतंगे मैं वहाँ लेके जाने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही मैंने निकाल के रखी थी, मेरे को मौका भी नहीं मिला उड़ाने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी पतंगे वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो भाई एक ये वाली लेके जाऊँगा मैं जो ग्रीन कलर की है, और यार मैंने चेक नहीं की है ये वाली कि सीधी उड़ेंगी भी या नहीं, तब भी कोई बात नहीं यार देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक ये लेके जा रहा हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये वाली पतंग है। फिर उसके बाद आ गई एक ये वाली पतंग, सही है ना, और एक बड़ी वाली पतंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तवी ब्रिज के पास जो पार्क था। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ही 3-4 गुड्डियाँ मेरे को उड़ती दिख रही हैं, आपको पता नहीं दिख रही होंगी नहीं, तो अभी अंदर जाके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पार्क में आ चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं पतंगे उड़ा रहे हैं, तो आइए हम भी उड़ाते हैं। अच्छा भैया अभी तक उड़ानी नहीं शुरू की, उड़ाई पे आज उड़ाई सारी खत्म हो गई, सारी खत्म हो गई कब यार, तो चप्पा पड़ेगा क्या हमारे जगह मेरे को लगा इधर बहुत सारी गुड्डियां चढ़ रही होंगी, चढ़ रही थी ऐसी बात नहीं है सर, तो बहुत सारी दी थी इधर लोगों की, कहाँ चढ़ रही है यार, गंदी मंटा उपरावा और से गंदी मंटा लिया तो गट्टू लेके आ गए पीछे तक गट्टू। पार्क के अंदर सारे चरकड़ी चला रहे हैं, बाहर से गट्टू से पेचे डल रहे हैं इधर स्टार्ट है। वो देख वो जो वो देख ना टाची टाची में अंकल गुड़िया लाए होंगे, तेरे को कहाँ पे अंकल आया पतला सुपड़ा से तरीका ही है वो हमारे कैटेगरी में ही है वो। मैं तो चार हमने मैंने भाई 8 गुड़ियां लाई थी, दो रह गई हैं, दो रह गई हैं सोचने उठाई सारी कट गई कैसे, कब कितने बजे दो दो तीन तो टूट गई हमारी, कितने बजे गए हो पतंगे अभी उड़ने रही है, अभी शुरुआत होगी तो उड़ेंगी फिर पतंगे नहीं करेंगे टाइम बजे का है, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चल चढ़ा दे एक बार पहले नीचे पता नहीं राइट साइड पे, अरे डोर है और नीचे पेचा पड़ जाएगा तेरा, पीछे मोम्बी गुड्डी आगे चढ़ी है, पेचा पड़ गया तेरा, ये पड़ा हाथ से पड़ गया पेचा। अभी बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे पहले पतंगे उड़ाएंगे फिर बाद में हम उड़ाएंगे, और आधे से जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने गुड्डियाँ अपनी कटवा भी दी हैं कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले ही। तो यार मैं भी उड़ा रहा था तो मेरे को भी खींच पड़ गई, पर अभी स्टार्ट हुआ कंपटीशन देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये पतंग का पेचा है। सो गाइस अभी 16 साल के बच्चों का कंपटीशन चल रहा है और अभी सिर्फ 5 पतंगे ऊपर उड़ रही हैं, बाकी सारी कट गई हुई हैं, और देखते हैं एंड तक किसकी बचेगी। वो देखो पेचे डल रहे हैं वहाँ पे बड़े खतरनाक वाले, वो बच्चा देखो वहाँ पे गुड्डी उड़ा रहा है, और देखते हैं कौन जीतेगा। पेचे डल गया है 5 में से 2 का पेचे डल गया हुआ है, ओ एक कट गई, ओ कट गई काली वाली कट गई, अब 4 गुड्डियाँ बची हैं। वो देखो बच्चे लूट रहे हैं, बच्चे लूट रहे हैं, देखते हैं किसको मिलती है ये, यहाँ किसको मिलने वाली है, नहीं नहीं पेचा डला हुआ उसने खुली डील छोड़ी हुई है, कट गई है, अच्छा अच्छा दूसरी पड़ी है, निकल गई, ओ ओ ओ
तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, हवा बंद हो गई है। और बड़ा गुड्डा उड़ाया हुआ था तो ये जो आंख वाला इसने खींच मार दी, हवा भी नहीं चल रही थी तो खींच आसानी से बच गई, तो मैं बाहर हो गया। तो चलो कोई बात नहीं यार, आप मज़ा लूटें यहाँ का, और मेरे को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। तो भाई कितनी गुड्डियाँ काटी तूने? चार काट रही हैं। वाह यार वाह। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है। हाँ फिर चल रहे यार, क्या हुआ कट हो गई? थोड़ी दूर कर तो ये पकड़ लेता, फिर नीचे आई थी। तो गाइस स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि कोई भी खींच नहीं मारेगा, पर ये जो अखेदार है वो सिर्फ सबको खींच मारे जा रहा है और कोई इसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा। मेरी गुड्डी को भी खींच बजी है, पर यार ढील के पेचे होने चाहिए थे, जबकि रूल्स में पहले से ही बताया हुआ था कि भाई खींच नहीं बजनी चाहिए। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, मज़ा मेरे को काफ़ी ज़्यादा आया और धूप काफ़ी ज़्यादा और हवा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस दो लोग रह गए, दो ग्रुप, एक सामने वाला ग्रुप और एक वो पीछे वाला रेड कैप वाला ग्रुप। तो इन दोनों के भी पेचे डलेंगे। उड़ रही तो काफ़ी सारी गुड्डियाँ, पर असल में दो के बीच में मुकाबला, देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे खींच लीगल नहीं थी। जैसे मेरी भी गुड्डी खींच मार के काटी, तो इनको इन्होंने फिर से उड़ाई है अपनी गुड्डी, क्योंकि चीटिंग हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मेरे को तो वैसे मज़ा नहीं आया इतना, ऐसी नॉर्मल गुड्डी उड़ रही है जैसे मतलब मोहल्ले में उड़ती है ना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं। आप इस्तेफा करो जो भी। तो अभी दो प्लेयर यहाँ पे बच चुके हैं, एक ये और दूसरा वो गुड्डी उड़ा रहा है। तो इन दोनों की गुड्डी है, इन दोनों में से जो जीतेगा वो जाएगा पत्नी टॉप, और देखते हैं कौन जीतेगा। भाई चीटिंग नहीं करो यार उनके साथ। ये पूरा देश देखेगा, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देखेगा ये ब्लॉग। 33.2 सब्सक्राइबर्स। तो गाइस ये हैं विनर यहाँ के और जीत चुके हैं। अब किसके साथ एक और बचा हुआ है? गई तेरी, उसने खींच मार दी, खींच पड़ गई इसको। किसको खींच पड़ गई? तो गाइस नंबर 20 जीत गए यहाँ पे, और बहुत खुशी की बात है। पत्री टॉप जाओ। गुड़ियां बिठा दो सबकी, बात डिस्क्वालीफाई तो हमारे साथ गलत हो रहा है। सबसे पहली गुड़ी हमारी उड़ी, कानून आया उसके साथ। बच्चा कराओ उसका, कराओ डील का, जानता नहीं बोलो, बोलो दूसरी बार को, दूसरी बार फिर भी मारो, कह रहे मार के मार के। अपनी भाई मंदिर से जिसको मर्जी बजा दो, घट बनाई दी है। हम तो नहीं है, हम तो पहले बाहर हो गए, लेकिन देख तो रहे हैं ना कौन उड़ा रहा कौन। आपकी गुड्डी को खींच मार के काटा? और क्या, खींच मार के काट दी थोड़ी, हमें नहीं खींच मारना। हम एक खींच दादा गुड्डी काट, सही बात है, सही बात। तो बच्चे हमारे आ गए, नहीं वही मेरी भी खींच से कटी ना, खींच अलाउड नहीं है तो क्यों? हाँ सही बात है, जब खींच नहीं अलाउड है तो क्या रूल्स है क्या नहीं बता। तो गाइस यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ गुड्डी नहीं उड़ाई गई है। स्टार्टिंग में बोला गया था कि कोई खींच नहीं मारेगा, तब भी यहाँ पे खींच मार के गुड्डियाँ काटी हुई हैं, पर जो यहाँ का विनर है उसने बिल्कुल भी खींच नहीं मारी, वो एकदम लीगल तरीके से ईमानदारी से उसने पेचा डाला और वो विनर बना। क्या लगा आज का मनोरंजन? चीटिंग हुई क्या? चीटिंग बड़ी हुई सर, खींचने लाउड नहीं की थी, पर मेरी गुड्डी को फिर भी खींच बजी यार, मेरे को खुद खींच बजी मां, और ऊपर से हवा बंद हो गई। हां और ऊपर से एक बोलते एक गाड़ी उड़ानी है, एक गाड़ी हमारी हवा बंद हुई, ये दूसरी गाड़ी उन्होंने लाउड नहीं किया। लीगल होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए सबके लिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। सही बात है सर, ये जो विनर है इधर, मैं बोलता हूं जन्माष्टमी में रेडी लाओ, फिर गुड्डी कैसे फिर फिर पता चलेगा इनको कितने बजेगी। सही बात है गाइस, देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ चीटिंग हुई यहाँ पर मज़ा थोड़ा बहुत आया मुझे, गुड्डियाँ दिखी जन्माष्टमी से पहले, और ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।